कार्तिक कृष्ण प्रतिपद ठार आरंभ हो पवित्र कार्तिक मास श्री राधा दामोदर और देवी बृंदावती आराधना संपर्कित मसट वैष्णवीय भावधारा अत्यंत पवित्र भाव बेचना करीक्षेत्र में मस सारा कार्तिक व्रत पालन अधिक फलदायी होता विश्वास आधार में स्थानीय बासिंदा समेत अल्प किसी हबिष्याली साही गलिकंदी संपर्क मान घर रही कार्तिक व्रत आरंभ कार्तिक मास अवसर में हबिष्याली मंस और पिज रसुण आदि तामसिक खाद्य एपरिक तेल फुटण और मसला भाई राजसिक खाद्य बर्जन कर नड़िया तेल व्यतीत अन्य तेल शरीर में लगवा निषिध पान खाऊ हबिष्याली शिपचून परे पथर चून व्यवहार करुवा बेले केतक दंत मार्जन निमंत अन्य दांत काठी परे कुंभाटुआ काठी को दांत काठी भाव व्यवहार कर प्रथम दिन संकल्प करने मस सारा प्रत्युषर निद्रा त्याग तीर्थ पुष्करणी स्नान तुलसी चौरामूली पूजा अर्चना श्री राधा दामोदर पूजा श्री जगन्नाथ दर्शन कार्तिक महात्म्य समेत श्री विष्णु सहस्रनाम और गोपाल सहस्रनाम आदि धर्म पुस्तक पठन और श्रवण एवं संध्या समय आकाश दीप दान आदि यह व्रत मध्य अंतर्भुक्त व्रत पालन समय हबिष्याली मैंने दिन में केवल गोटे थर मात्र श्री महाप्रसाद किंवा हबिष्यान्न भोजन करुआ अन्न सह ओउ कंचा कदमी सारु नड़िया मुग डाली और भल घी आदि प्रस्तुत डालमा अगस्ती शाग एवं ओउ खटा व खटा कमला आदि से खाद्य होता है डालमार हलदी और फुटनर व्यवहार हुए ना कार्तिक व्रतर नीति नियम संपर्क में श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रवीण गवेषक डॉक्टर नरेश चंद्र दास आमको सूचना प्रदान करोना जनित कटका कारण राज्य सरकार हबिष्याली योजना को चलित वर्ष बंद रखा जा श्रीमंदिर सिंहद्वार व्यतीत अन्य द्वार निकट में श्री महाप्रसाद पाइबा निमंते श्रद्धालु कूपन व्यवस्था कर कार्तिक मास शुभारंभ हला एवं ये कार्तिक मास रे हबिष्याली माने श्री मंदिर रे कार्तिक व्रत करने संकल्प आज करकल्प कर गोटे मास महाप्रभु को आराधना करिवार संकल्प नहीं व्रत आरंभ करछंती व्रत रे से माने प्रातः काल उठी विभिन्न जो तीर्थ पुष्करणी रही से स्नान करती एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करती एवं दर्शन कर सारापर चौड़ा मूल से राधा दामोदर पूजा मध्य करती एवं गोटे बेला से मैंने हबिष्यान्न ग्रहण करती एवं संध्या समय को जोबले आकाश दीप उठे से चौड़ा मूल रही आकाश दीप को ध्यान करती कार्तिक महात्म्य श्रवण करती कार्तिक महात्म्य श्रवण कर महाप्रभुंकर श्री महाप्रसाद गोटे बेला खाई आउ गोटे बेला उपवास करी से माने यही भाव में यही मासटी को
श्री राधा दामोदर श्रीचरण अरविंद समर्पण करी गोटे मस महाप्रभु श्री जगन्नाथ राधा दामोदर बेश अनुष्ठित होता है से माने सका सका आसी स्नान इत्यादि संपन्न कर आसी महाप्रभु से राधा दामोदर बेश को दर्शन करी महाप्रभु जितेबले अबड़ा बाहर से अबड़ा पाई से माने गोटे मस बड़ा आनंद काटी दे था श्री जगन्नाथ निकट समर्पित हुई आम फुलवाणी राधा दामोदर पूजा व्रत पालन करने आसुचु पूरी आम कार्तिक मस गोटी हबिष अन्न करें राधा दामोदर पूजा करुचु पालन करुचु गोटे वाली डाली और भात खाई मस अबड़ा भोजन करस शेष करद्यापन करूँ सका चार रात्रु आम स्नान कर नरेन्द्र ने पूजा करूँ बालुका बसु ये पूजा करूँ ओषा पूजा करमती कले कार्तिक मस स्वर्ग प्राप्ति हुए जहाँ पाप कर खंडन हम आम तो सब पापी किसी ना कि धर्म प्राप्त हम बोली आज।